मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज बांदा ने उसकी मौत की पुष्टि की है। पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। मऊ, गाजीपुर और बांदा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद फिरोजाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। मुख्तार पहली बार मऊ सदर विधानसभा से 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा था। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दल विधायक बना, फिर कौमी एकता दल के नाम से अपनी नई पार्टी बनाया और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता। साल 2017 में मुख्तार अंसारी बसपा से चुनाव जीता और विधानसभा के आखिरी 3 चुनाव उसने जेल में रहते हुए जीते। मुख्तार की मौत के 2 घंटे बाद यानी रात 12:30 बजे के आसपास उसके शव को मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। शव के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते ही पुलिस फोर्स भी वहां तैनात हो गई। परिजनों के मुताबिक उसके शव को गाजीपुर के पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। ये कब्रिस्तान उनके घर से करीब 400 मीटर दूर है। इसी कब्रिस्तान में उनके पार्थिव शरीर को सुपुत्र खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई सवाल और आशंकाएं तैर रही हैं। 2 दिन पहले जब मुख्तार की हालत बिगड़ने पर उसे जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, तभी उसके भाई अफजाल और बेटे उमर अब्बास ने पिता की मौत की आशंका जताई थी। खुद मुख्तार ने भी खाने में जहर की आशंका को जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्तार के भाई अफजाल ने तो ये तक कह दिया कि उसके भाई की हत्या का 7वीं बार प्रयास किया गया है। इस बार भी 19 मार्च को उन्हें खाने में जहर दिया गया था। मुख्तार का एक बेटा अब्बास इस वक्त कासगंज जेल में सजा काट रहा है, तो दूसरा और छोटा बेटा उमर अब्बास 2 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज पिता को देखने आया था। अपने पिता की मौत की खबर सुनने के बाद उमर ने भरे गले से कहा कि 2 दिन पहले ही इन पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती पिता को शीशे से भी देखने नहीं दिया और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो वही पुलिस प्रशासन उनके जनाजे को कंधा देने के लिए बुलावा भेज रहा है। तो ऐसे में एक बेटे के दिल पर क्या गुजर रही होगी इन अधिकारियों को क्या मालूम। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक 5 बार चुनाव जीता था। 2002 के चुनाव में अफजाल बीजेपी के कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद की हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी की मौत पर कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी कोई संत नहीं था, उस पर हत्या और अपहरण के कई मुकदमे थे। मुख्तार जेल में तानाशाह की तरह रहा करता था। अपराधी की मृत्यु हुई है, लिहाजा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। तो आज जीबीएन 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।